प्रदेश त्रियो युवा दिवस कार्यक्रम में एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। उन्होंने कहा खिलाड़ियों को हर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस दौरान मोहन यादव ने पतंग उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में प्रदेश स्त्री युवा दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पतंग उड़ाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग की तरफ से जो भी प्रस्ताव आएंगे उनको तत्काल मंजूरी मिलेगी। खेल प्रशिक्षकों का मान सम्मान शिक्षकों की तरह होगा। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी संस्कृति और विचार दुनिया को राह दिखाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में परचम लहराया। जब मैंने गेम स्टार्ट किया था तो मैंने मतलब प्राइज मनी के लिए नहीं किया था। मुझे मैं प्राइवेट टीचर था और अपने आप पढ़ाता था। तो जब मेरे यहाँ ये गेम स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा कि इस गेम के बच्चों को अपने अपने जिले के बच्चों को इस गेम में लाना है, इसलिए मैंने ये खेलना स्टार्ट किया था सिर्फ अपने स्टूडेंटों को आगे लाने के लिए। क्योंकि पानी का था तो उनके पेरेंट्स बोलते थे कि खतरे का खेल है, बच्चा डूब जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले करके देख, जो मुंबई में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है ना, उसमें ओलंपिक कोटा हासिल करना है। और कोशिश ये करते हैं कि हमारे इधर के जो गरीब बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलाएं। मैं अभी तक मतलब 15-20 बच्चों को लेकर आया हूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके, उसमें 8-10 बच्चों ने अपना सेट कर लिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।